देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने लाउडस्पीकर मोर्चा निकाला। इस अवसर पर केंद्र सरकार की नीतियों और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। पेट्रोल डीजल एवं गैस के मूल्य वृद्धि के विरोध में आम आदमी पार्टी ने विदर्भ संयोजक देवेंद्र वानखेड़े एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष जगदीश सिंह के नेतृत्व में लाउडस्पीकर मोर्चा निकाला। पार्टी ने आरोप लगाया कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोलियम की दर लगातार बढ़ती जा रही है, इससे परिवहन महंगा होने से महंगाई बढ़ रही है। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत बढ़ाए हैं सरकार ने। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलाकर 58 रुपए में जो आज पेट्रोल की प्राइस है उसके ऊपर 100% से भी ज़्यादा टैक्स लेकर 120 रुपए 121 रुपए भी आज पेट्रोल का दाम हो गया। डीजल के भाव 102 रुपए हो गए। गैस तो 1000 के ऊपर चला गया। लोगों को जीना पूरा हराम कर दिया सरकार ने। और सरकार ये चाहती है कि कोई महंगाई के ऊपर ना बोले, इसलिए कहीं बुलडोजर चला रहे या कहीं भोंगे का राजकारण कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने आम आदमी पार्टी की ओर से पूरे विदर्भ के अंदर पेट्रोल डीजल गैस के महंगाई के खिलाफ भोंगा आंदोलन किया है और इसीलिए आज हम सब लोग इधर साथ में हैं। आंदोलन में अमृत सावरकर, अशोक मिश्रा, कविता सिंगल, शंकर इंगोले, भूषण ढाकुलकर, डॉक्टर शहीद अली जाफरी, राकेश उराड़ी, रोशन डोंगरे आदि शामिल हुए। कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ दिशा हटवार, VKB न्यूज़ नागपुर।